कोटा नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से करोड़ों की लागत से कोटा आईसीटी बसें अब धूल खा रही है। रखरखाव और बेहतर पार्किंग के अभाव में यह बस कबाड़ बनती जा रही है, पर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा कोटा के लोगों को अच्छी परिवहन की सुविधा मिले, इसलिए सरकार ने यहाँ पर सिटी बसें चलाने का प्रबंध किया था। कोटा नगर निगम को यहाँ पर 33 बसें दी गई थी और 33 बसों में करोड़ों रुपए की लागत की ये बसें हैं जो कोटा शहर में यहाँ पर हर सेक्टर वाइज चलने का इनको अनुमति थी। मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये बसें रखरखाव के अभाव में किस तरह से धूल खाती हुई नज़र आ रही है। सामने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का काम चल रहा है। उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के काम चलते हुए चारों तरफ रेत, डस्ट और पत्थर जो हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। इसी के कारण इन बसों में सिर्फ कचरा, यहाँ पर रेत, गेती और पावड़े मिल रहे हैं। लगातार इन बसों की स्थिति खराब होती जा रही है। धूल और मिट्टी के कारण इनमें काफ़ी परेशानियाँ भी आ रही है और इनकी मशीनरियाँ भी जंग खाती हुई नज़र आ रही है। मगर कोटा नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई से लाई गई बसें अब सिर्फ धूल खा रही है। 33 बसें यहाँ पर लाई गई थी, 33 बसों में से सिर्फ यहाँ पर कोटा शहर में यदि जो बसें चल रही हैं उन बसों की बात करें तो 11 बसें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए सुचारू रूप से चल रही है, बाकी की 18 बसें जो यहाँ पर धूल खा रही है। और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये सरकारी मशीनरी अब कबाड़ होती जा रही। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा।